30-40 किलोमीटर पहले। इधर महाराष्ट्र के अंदर कोई भी गाड़ी होगा अपना जाके वहां रुका दो। जाम लगा हुआ है। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ट्रकों को किया आग के हवाले, अरे भाई इनका क्या कसूर। ये है जी बीड से पहले सहागढ़, 30-40 किलोमीटर पहले जाम लगा हुआ है। कोई यूनियन वालों ने कल परसों गाड़ियां फूंक दी थी यहाँ पे, तो पुलिस का और यूनियन वालों का झगड़ा हो गया, लाठीचार्ज हो गई। तो कोई भी भाई अगर बीड की तरफ आ रहा हो तो अपने होटल पर रुक जाना, पता करके फिर आना, यहाँ के परेशान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, जलते ट्रक, उमड़ी भीड़, इसी तरह का कुछ नजारा सामने आया है महाराष्ट्र के जालना से। ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोग, ड्राइवर, गाड़ी मालिक पहले ही बेहद परेशान हैं। अक्सर करके बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, गाड़ियां ध्वस्त हो जाती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, ट्रकों के परखच्चे उड़ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रक ड्राइवर जो देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उन पर किसी को तरस नहीं आता। जी हाँ, जालना से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं जहां पर ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया, बसों को जला दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हुआ क्यों, तो आपको बता दें कि मराठा आरक्षण को लेकर यह हंगामा महाराष्ट्र में मचा हुआ है। पहले लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ये हिंसा में बदल गया। 1 तारीख को इस आंदोलन ने हिंसा का रूप ले लिया और महाराष्ट्र में आगजनी हो गई। जहां तहां पथराव किए गए, गाड़ियों में आग लगा दी गई। आखिर ऐसे में ट्रक ड्राइवरों का क्या कसूर है, उनकी क्या गलती है, गाड़ी मालिकों ने क्या किया है या क्या बिगाड़ा है कि उनकी गाड़ियां जला दी जा रही हैं? कभी भी ऐसा कुछ होता है, सारी नौबत, सारी आफत ड्राइवरों पर या ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों पर आती है। इतना कुछ हो जाता है, कहीं कोई मुआवजा नहीं, कहीं कोई उनके लिए राहत नहीं देता। ऐसी ही अपनी दिल की बात एक ड्राइवर भाई ने की है, जरा सुनिए। इन लोगों के भी हम लोग का संगठन का तरफ से हम यही बोलना चाहता है, आप लोग सही रास्ता पे चलो, नहीं तो हम लोग कठोर से कठोर सजा अपना गवर्नमेंट से मांग करेगा। हम लोग का यही दुश्मनी है, जो हम लोग का ऊपर जुलूम चल रहा है उसके ऊपर हम लोग का दुश्मनी है। इसलिए हम लोग सरकार से यही दावी रखता है कि हम लोग का ये चीज आप अच्छा से ध्यान दें, नहीं तो हम लोग लास्ट पोजीशन में है, हम लोग स्टार्टिंग थोड़ा आंदोलन कर देगा एकदम कंफर्म। सुन लिया आपने क्या क्या कहा इस ड्राइवर ने, कि एक बड़े आंदोलन का रूप अब हमें भी लेना पड़ेगा अगर ये सब नहीं थमा। जहां तहां देखो बॉर्डरों पर ड्राइवर परेशान किए जा रहे हैं, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए लिए जा रहे हैं। जहां एक भी रुपए ना देना पड़े वहां भी पैसा देना पड़ता है, और उसके बाद ये सब आखिर क्यों? ऐसी स्थिति वहां पर है, जगह जगह जाम भी लग रहे हैं। बीड़ के शाहगढ़ से ये वीडियो सामने आया है जहां पर ट्रकों की लाइन लगी हुई है और एक ड्राइवर भाई अपने कम्युनिटी के लोगों को हिदायत दे रहा है कि इस तरफ ना आए। तो अगर आपने महाराष्ट्र का रुख किया हुआ है, बीड़, जालना इस तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा अपडेट लेकर निकलें। बेशक आपके पास ऐसी जानकारी होनी चाहिए किस रूट से आप जा रहे हैं, वो सुरक्षित है कि नहीं। हालांकि अब पुलिस वालों ने कंट्रोल कर लिया है, माहौल को शांत कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको उस जगह का जानकर निकलना बेहद जरूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की RC और पुरानी बीमा कॉपी 90831 90831 पर व्हाट्सएप कर दें तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।